हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे वीकेंड वीलॉग में। और काफी सारा सामान आया है, मुझे लगता है इस महीने मैंने बहुत ही शॉपिंग कर ली। और पाड़वा का जो मैंने वीलॉग किया था, उसके बाद मैं बहुत थक गई या नजर लग गई मुझे नहीं पता, पर कल मैं सोई रही सिर्फ पूरे दिन। देन नाउ आई हैव वोकन अप एंड वीकेंड इज आवर सेल्फ केयर वीकेंड। तो ये मैं ले रही हूँ ड्रिंक मेरा, जिसमें है एसेंशियल अमाइनो, क्योंकि इसके बाद मैं योगा करूंगी, एक्सरसाइज करूंगी। कोलेजन है इसमें, सब्जा है जो पेट को आपके ठंडा रखता है, फाइबर देता है और उसके बहुत सारे फायदे हैं, और है इलेक्ट्रोलाइट्स। गर्मी बहुत पड़ रही है बाहर, तो सामान भी खोलते हैं, अनपैकिंग भी करेंगे हम। फिर मैं ये तेल से अपनी चंपी करूंगी, मेरा मैजिक ऑयल है। तो जब से ये बाल मैंने ऐसे नीले कर दिए ना ऊपर से तो धोए नहीं है, तो आज मुझे धोना है। तो सबसे पहले हम अनपैकिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं कि क्या क्या आया है। अरे बाप रे, इस बार बहुत मैंने दवाई शवाई पता नहीं क्या क्या मंगाया। अच्छा वाला पैकेट खोलते हैं, इजी वाला। तो मैं ऑनलाइन अगर देखती हूँ और मुझे लगता है कि कम कीमत में अच्छे कपड़े मिल रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ। तो ये मैंने मंगाया था, देखते क्या कलर कितना प्यारा है। देखिए क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद, 2 साल बाद घर से बाहर निकलूंगी, दिल्ली जाऊंगी, तो सोचा कुछ अच्छे कॉटन के कपड़े लिए जाए, तो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किए थे। तो ये है अशोक, थैंक यू। मैं तुझे हाय बोल सके ना, हाय। हे, और मैंने तुम्हारे लिए अच्छा ये सब्जा वाला ड्रिंक बना दिया, तो मेरा ये पैकेट आ गया। वाओ, अशोक ने जीपे कर दिया, मेरे पास तो था नहीं जीपे, तो आ गया है, अभी खोलेंगे। दोस्तों, तो मैंने अपना योगा कर लिया है, वो स्ट्रेस रिलीजिंग योगा होता है। तो वीकेंड में मैं हमेशा लंबे दौरान तक, आज मैंने 35 मिनट्स प्रैक्टिस किया और बहुत ही आराम से, एंड आई एम नाउ फीलिंग फ्रेश। बालों में चंपी भी तो हो गई है। तो सेल्फ केयर वीकेंड में अब ये अगला आइटम ये है मेरा पैक। इस पैक में मैं डालती हूँ इसमें बादाम का ऑयल, कॉफी, शुगर, फ्लैक्सीड पाउडर मैं बता दूंगी क्या क्या है उसमें, और कस्तूरी हल्दी। तो अब मैं पीने वाली हूँ कैमोमाइल टी, वो है क्या, कामिंग डाउन टी, CHA कैमो MOMILE, ऐसे कोई हर्बल टी होती है ये, और
उसको पीने से आप और काम डाउन हो जाते हैं। तो काम डाउन होना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे मेरे दोस्तों ने बोला था यार, नज़र निकल वाले वो पाड़वा वाले वीलॉग पे, माँ कसम ऐसे ही हुआ। मैं खुद डॉक्टर हूँ, ये सब मैं करती नहीं ज़्यादा, बच्चों की उतारी है अपने नज़र मैंने। लेकिन अभी जो मेरा अमैन फ्राइडे है साजन जब आया, मैंने कहा यार को भी नज़र उतार दे, और कुछ भी ठसक नहीं हुई, नज़र उतर गई ना, आई स्टार्टेड फीलिंग सो लाइट। तो हमारे पुराने ज़माने के लोग जब बोलते उसमें सेंस होता है। देखिए घर की चीज़ों से जब पैक बनाते हैं ना, तो आप उसको ऊपर नीचे हर जगह लगा सकते हैं। बाल अभी थोड़े ड्राई नहीं किए मैंने, क्योंकि आज हम बाहर जाने वाले हैं, पता है ना। तो बाल ऐसे ही मतलब दे आर लाइक ड्राइंग नेचुरली। तो ये मैंने पहना, पहले मैं काला पहना क्योंकि कल मुझे नजर लगी थी भाई साहब। तो ये ड्रेस कैसा लगा आपको बताइए। ये एकदम कॉटन की ड्रेस है, ये देखिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूं अपने फ्रेंड के पास। आज का वीलॉग यही समाप्त, मिलते हैं कल। पीछे हाय बोलो। हाय बेबी, बेबी तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कपड़ों के तय कर दिए, प्रेस वाले अलग निकाल दिए, बाकी रख दिए अलमारी में। और ये पीस यहाँ सो रही है, ये मेरी रजाई है। हेल्थ अपडेट ये है कि मुझे लग रहा है जो अंदर से फीलिंग आ रही है ना हरारत वाली, वो तो अच्छा है। मैंने कल टाइम पे रात में फील हुआ तो ऑलरेडी दवाई ले ही ली थी अपनी, और फिर दवाई भी मंगाई और विटामिन डी भी लिया। मैंने आज कुछ किया है तो वो आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने जो प्लांट्स मंगाए थे उसमें काफ़ी प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत बड़े हो सकते हैं, और अगर आप उसी छोटे पॉट्स में जो आता है ये इंडोर प्लांट्स के, ये तो छोटा सा है बहुत ही ऐसे, तो वो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आज मैंने हमारे सोसाइटी के माली को बुलाया, वो सब मैंने नहीं किया बिकॉज़ आई एम रियली नॉट फीलिंग फिन, ऐसा ना आवाज़ ही नहीं निकल रही, थ्रो ही ख़त्म हो गया। तो इसका सीधा सीधा मतलब है मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, तो इम्यूनिटी कितनी भी एक्सरसाइज कर लो हो जाती है और तुरंत हवा से कैच कर लेती है। तो भगवान कह रहा है रेस्ट करो, बहुत इधर उधर नाचती कूदती फिरती हो। और मोबाइल भी कह रहा है क्योंकि कभी मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है, कभी माइक काम करना बंद हो जाता है। तो आइए दिखाती हूँ मैंने जो छोटे छोटे इंडोर प्लांट्स खरीदे थे लास्ट वाले वीलॉग में आपने देखे, क्योंकि कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है तो मैं प्लांट्स ही खरीदती हूँ खुद के लिए। तो ये आज उनको ट्रांसफ़र किया है हमने बड़े इसमें, तो ये देखिए इस तरह से, देखिए फूल भी खिला है गुलाब में, इस तरह से किया है उन्हें।
तो देखिए ना आपने प्लांट्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे सब चीज़ें करके। तो आई थिंक नाउ द मतलब मुझे वो क्रोशा भी मैंने शुरू किया, सीखने की कोशिश की, पर कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब बहुत मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, और मुझे वैसे कभी ज़्यादा नहीं होता है, अगर थोड़ा बहुत भी वायरल होता है तो वो 48 आवर सोते रहो बेड पे, कुछ भी देखो, फिर सो जाओ, फिर सुनो, फिर सो जाओ, उसी में ठीक हो जाता है। ओके, सो नथिंग टू वरी। बट आई थिंक कैमरा बंद होना या बैटरी चली जाना, ये कह रहा है कि भाई मैडम जी आराम कीजिए, बहुत धूमधाम करती हूँ, क्योंकि उम्र का भी एक तकाजा होता है। अभी अभी मैंने एक खबर देखी, प्रदीप सरकार गुजर गए, चलो वन बाय वन सारे जेम्स ऊपर जा रहे हैं, तो ईश्वर उनको जल्दी ही नए जन्म में भेज देगा, ताकि आपके आगे की जनरेशन भी बड़े बड़े कलाकार देखेगी, है ना। मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ। नाउ आई वॉन्टेड टू एड्रेस वन इशू टूडे, इज़ हाउ टू हैंडल ग्रीफ। ये गिटार है, ये मेरे हस्बैंड का गिटार है, हु पास्ड अवे लास्ट ईयर। सो ग्रीफ को हैंडल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने कैसे किया, मैं अपनी क्रिया मेडिटेशन तो करती थी, पर शुरू शुरू में व्हेन ही पास्ड अवे इट वाज सो शॉकिंग, तो आँखें नहीं बंद होती थी मेडिटेशन में, समझ ही नहीं आता था, फिर भी एक रूटीन फॉलो करते थे। व्हाट आई वाज फोकस्ड वेरी नेचुरली वाज कहीं ओल्ड एज होम में कुछ कर दिया, कहीं यहाँ दान दे दिया, कहीं वहाँ चले गए, मंदिर चले गए, कुछ मंत्र साधना करने लगी मैं, क्योंकि जब आँख नहीं बंद होती तो बेटर है कि आप जैसे दुर्गा चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा, जो भी जैसे दिन है, ये मैंने करना शुरू किया। मेरे गला गया यहाँ सॉलिड आज, तो आई डिड दैट एंड आई स्टार्टेड बीइंग मोर काइंड एंड स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल हु रियली नीडेड माई हेल्प। और ऐसे करते करते देन आई हैड टू गो एक्चुअली ऑन हिज ग्रेव एवरी मंथ ऑफ दैट डे एंड लाइट अ कैंडल, प्रे, आई प्रेड, आई स्टिल प्रे। एंड देन आई हैड सेड, आई जस्ट केप डूइंग, मैं ये करती रही सब। मतलब देखिए, जो आपका अपना चला जाता है ना, तो वो आपके जाने तक वो यादें आती है, वो ऐसे ऐसे मोमेंट पे आती है कि वो दस्तक नहीं देती, वो अचानक आ जाती है, आंखें भर आती है, गला रुंध जाता है, और लोग बोलेंगे रोना मत, रोना मत। नहीं 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 नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आपको रोना आ रहा है, रो लीजिए दिल खोल के, फिर मुंह हाथ धो के अच्छा सा नीचे जाके। उसमें क्या होता है, जब रेस्टलेसनेस एंग्जाइटी होती है तो ग्राउंडिंग एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो जाइए आसपास में कहीं भी गार्डन में ना, नंगे पैर चलिए, तो ग्राउंड हम आए वहीं से, वहीं हमें भी जाना है एक दिन, राइट। और दूसरा आप कर सकते हैं कि जब अभी अभी मान लो कोई गया, तो जब सुबह उठते हैं और जब शाम होती है, और रात तो भयानक होती है, बहुत यादें आने लगती हैं, तो उस समय आप लिखना शुरू कर दीजिए कि आपको कैसे फील हो रहा है, क्या याद आ रहा है, बस इसको लिख दीजिए, ठीक है, लिख के छोड़ दीजिए। और एक बात है कि योगा कीजिए, चक्रा योगा, जो मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ अपने चैनल पर भी। उससे क्या होता है, जो चक्रा का इम्बैलेंसिंग होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। चक्रा मेडिटेशन भी होता है, इनिशियली आपको मेडिटेशन कर नहीं पाओगे, आप मन इतना विचलित होता है कि हमारा ध्यान नहीं लगता है, वैसे भी ध्यान है, वो ध्यान नहीं, फोकस नहीं करना होता है, डीफोकस करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर जब आपको अच्छा लगे या कोई अच्छी सी याद आए, उसको भी लिख दीजिए कहीं एक डायरी में, दो तीन डायरीज बनाइए, एक ग्रैटिट्यूड डायरी बनाइए और एक इमोशनल डायरी बनाइए, जो आपको फील हो रहा है उस दिन, और इसको करते रहिए निरंतर निरंतर। और बाहर जाइए, सडनली जाइए किसी भी दिन, घर में अच्छे से चावल सब्जियां का बना के, और स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाइए, कैट्स को दीजिए, मतलब आपको जो भी है पसंद है, नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका एनिमल एक्टिविस्ट ही होना है करने के लिए, पर गूंगे जानवर है, स्ट्रे है, उनको कौन देखने वाला है धूप छाँव बारिश में, राइट। तो आप करने से क्या होता है, ये एक्सरसाइज करने से, रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस या इंटेंडेड एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये करने से ये होता है कि प्यार और कंपैशन, करुणा जो है वो देने की चीज़ है। जब आप वो देते हैं ना, आपका दिल एकदम एक्सपैंड हो जाता है और आपको अच्छा फील होता है ना, होता है कि नहीं। तो मैंने ऐसे हैंडल किया,
और मैंने अपने इमोशंस को डिनाई नहीं किया कभी भी कि नहीं नहीं रोना नहीं चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं जो मुझे होना हो रहा था मैं हो रही थी, मैं अभी भी ऐसी ही हूँ। अगर उस समय आपको जो चीज़ फील कर रही है, रिएक्ट मत कीजिए, मेरे पर रोना आ रहा है, उदास है या गुस्सा आ रहा है, वेंट इट आउट। अदरवाइज क्या होगा, वो जितना अंदर दबता है ना, सप्रेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ इमोशन रिजल्ट इन अ मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर जो अभी 70% लोगों को हो रहा है। तो प्लीज़ अपने इमोशंस को दबाइए मत, वेंट आउट कीजिए। थेरेपी बहुत महंगी होती है, तो आप चले जाइए दूर कहीं समुंदर किनारे, नदी किनारे, और चिल्ला दीजिए ज़ोर ज़ोर से, गुस्सा अगर आ रहा है, रोना आ रहा है, रो लीजिए बेशक कमरा बंद करके, बकेटों से आंसू बहा दीजिए, मगर उसके बाद एक सेल्फ केयर रूटीन रखिए कि हाँ मुझे योगा करना है, मुझे वॉक करने जाना है, या मुझे एक्सरसाइज करनी है, या मैं थोड़ा म्यूज़िक सुन लेती हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, बाहर जाइए, लोगों के बीच में रहिए। जब हम अपना कोई खोते हैं ना, तो एक कॉमन बात होती है, फिर आप जब किसी और का परिवार देखते हैं ना, तो अंदर बहुत जेलसी, हेटेड वाली इमोशंस आती है कि देखो इनका सब परफेक्ट है और हमारा तो नहीं है, ये बहुत कॉमन है। तो एक्सेप्ट इट, और बेटर क्या है, इनिशियल डेज में आप लोगों की ज़िंदगी यानी सोशल मीडिया से दूर ही चले जाइए, नेचर के साथ ज़्यादा रहिए। तो अगर आपको ऐसा होता ना, एंग्जाइटी हो रही है मुझे, रेस्टलेसनेस हो रही है, तो जाके किसी पेड़ के पास बैठ जाइए, पेड़ को हग कीजिए ज़ोर से। योगा में है तो आप मलासना कीजिए, ठीक है, फिर एक देवी आसना होता है, यूट्यूब पे जाएंगे आपको सब मिल जाएगा, उसको बोलते हैं रूट चक्र, वो पहला चक्र है, वहाँ गणेश जी विराजमान है। और एक टिप मैं देती हूँ, गहरी नींद, आज ही अभी गुरु जी ने बोला, सोने से पहले कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनिए और कुछ कॉमेडी की चीज़ सुनिए, तो हंसते हंसते फिर आँख बंद हो जाएगी, सो जाएगी, तो नींद गहरी आएगी। बस आज यही मुझे एड्रेस करना था, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीक। मुझे तो बनाना था सब्जी वब्जी यार, पर ये वायरल और गला जो भी है ये कह रहा है सो जाओ। मैंने वो जो दवाई ले ली थी, मैं बच गई टाइम पे दवाई लेने से, तो अब मैं 2 दिन जो है कस के आराम करने वाली हूँ, और मैं मिलती हूँ आपसे ट्यूसडे या वेडनेसडे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इमोशंस का ख्याल रखिए, अपने माइंड का ख्याल रखिए, अपने दिमाग का ख्याल रखिए, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और खुश रहिए। हम इस धरती पे आए हैं एक अनुभव लेने, लेसन सीखने। जो लोग हमारी ज़िंदगी में रहे, धन्यवाद कीजिए, अगर वो आज इस दुनिया में नहीं हैं तो धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने वो अनमोल लम्हे हमारे साथ शेयर किए, हमें इतना एनरिच किया अच्छे इमोशन से, राइट। तो और कुछ तरीका है नहीं, कितना भी लड़ झगड़ लेंगे, उदास रो लेंगे, जो चला गया उसे वापस नहीं ला सकते, और उसकी याद को हमारे जाने तक अपने जहन से, अपने दिल से न मिटा सकते हैं न हटा सकते हैं। सच को स्वीकार कर लीजिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।